गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपको जो पेपर पढ़ा रही थी, जो आपका पेपर लिंग, विद्यालय एवं समाज, इसके अंदर लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंग की परिभाषा, लिंग की विशेषताएं, इनके बारे में मैंने अध्ययन करवाया था। साथ में मैंने आपको एक शब्द लिंग के साथ लैंगिकता का बताया था कि लैंगिकता क्या होती है। लैंगिकता का मैंने आज बताया था, ये लिंग से ही मिलता जुलता वर्ड होता है, जो कि हमारे जो सभी मनुष्य के अंदर, जो कहें कि मनुष्य के जो मूलभूत रूप से जिन संवेगों का समावेश होता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब हमारे एक संवेग होते हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इनमें से एक होता है हमारा काम। तो काम शब्द जो है हमारा, वो हमारा लैंगिकता का पर्याय होता है। काम शब्द जो है वो हमारा लैंगिकता का पर्याय शब्द होता है, जिससे हम कहें इस कामुकता से तात्पर्य है कि काम जनित भावनाओं द्वारा जो क्रियाकलाप करते हैं वो हमारी लैंगिकता के अंदर आती है, जिसे हम लैंगिकता को हम कहते हैं, जैविक भाषा में हम उसे सेक्स कह सकते हैं। जो हम ये कहते हैं कि जहाँ स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और साथ में इस जैविक प्रक्रिया के द्वारा वो अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं या हम हमारे समाज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी लैंगिकता के लिए हम कहें कि स्त्री पुरुषों की जो भूमि होती है, जिम्मेदारियां होती है, वो दोनों की समान होती है। समान रूप से उन्हें परिवार को आगे बढ़ाना होता है, अपने समाज को आगे बढ़ाना होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी सामाजिक संरचना में ये एक जैविक भूमिका होती है लैंगिकता की, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इसे निभाते हैं। ये हमारी एक प्रक्रिया होती है, जैविक प्रक्रिया। मैं इसके लिए अनकोलोजिस्ट के लिए कहते हैं, ये जैविक अवधारणा है। ये जो लैंगिकता है, हमारे काम जनित जो भावना होती है, काम जो शब्द का इसमें प्रयोग किया गया संवेग, इसमें ये जैविक अवधारणा है। अनोकले जी ने एक पुस्तक लिखी थी इसके ऊपर, इन्होंने जो 1972 में लिखी थी, उन्होंने किताब का नाम जो दिया था पुस्तक का, वो पुस्तक का नाम था सेक्स एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर। पुस्तक का नाम था सेक्स एंड जेंडर सोसाइटी। ये इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी पुस्तक का नाम था सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, ये पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इन जो हमारी जो कहते हैं कि इसमें जो उन्होंने तात्पर्य इस पुस्तक में लैंगिकता का तात्पर्य लिखा था कि पुरुष अथवा स्त्री जो जैविक विभाजन होता है, वो हमारा लैंगिकता का जैविक विभाजन होता है। लैंगिकता के आधार पर कौन करता है, ये स्त्री एवं पुरुष। पुरुष जो जैविक विभाजन प्रक्रिया संपन्न करते हैं, वह होती है लैंगिकता। ये इस प्रकार इन्होंने इससे समझाया था, और ये पुस्तक भी इसी आधार पर इन्होंने लिखी थी कि सेक्स जेंडर इन सोसाइटी। इसमें इन्होंने पूरा समझाया था कि लिंग क्या है, लैंगिकता क्या है, और समाज में इनकी क्या जो स्थिति है, इस चीज के बारे में भी इन्होंने इस
में लिखा था, जो पुस्तक भी इन्होंने कहा लिखी थी 1972 में, 1972 में ये पुस्तक लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से जो हमारी भावनाएं होती है या कहीं हमारे जो विचार है लैंगिकता के प्रति, उस विचारों के बारे में इन्होंने बताया था। आगे हम इस जो हमारे लैंगिकता के प्रकार है इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इनके प्रकार होते हैं। ये सब चीजों का इन्होंने इस पुस्तक में बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज का वर्णन किया था। इसमें कहते हैं स्त्री और पुरुष जहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों एक गाड़ी के जो पहिए होते हैं, वो उसके में जो लिंगे विभेद हुए, वो विभेद के कारण कहीं ना कहीं हमारी लैंगिकता के प्रति क्या हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, इनको देखते हुए इस चीज में जो हमारे समाज में लिंग विभेद उत्पन्न हुआ, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि लिंग विभेद उत्पन्न क्यों हुआ या लैंगिकता क्या है। तो ये हमने इस वीडियो में इसलिए ये बताया था कि लैंगिकता आखिर होता क्या है, लैंगिकता का अर्थ क्या होता है, इसको समझने के लिए कई बार ये होता है कि हम लिंग और लैंगिकता में जो अर्थ होता है इनका, वो हम स्पष्ट रूप से ना लिख पाते हैं ना हम उसे समझा पाते हैं। तो उसी को समझाने के लिए ये हमने बताया कि लैंगिकता और लिंग में क्या अंतर है। इसी तरह से हमने जब ये जैविक विभाजन प्रक्रिया है, जो हमारे विज्ञान भी इस प्रक्रिया को मानते हैं, इसके अंदर हम मानते हैं कि पुरुष व महिला जो जैविक प्रक्रिया करते हैं, जो जैविक प्रक्रिया हमारी संपन्न होती है यहां पर, यानी कि ये प्रक्रिया भी हमारी, हमने देखा कि जो हमारी, जब ये कहते हैं कि जो लिंग लिंग लैंगिकता का इसमें ये बताया कि लैंगिकता के लिए जो हमने लिंग विभेद किया, तो लिंग विभेद हमने कई बार ऐसे देखा कि कुछ जो हमारी शक्तियां होती हैं, जो शक्ति कुछ स्त्रियों में बटी होती है कुछ पुरुष में, हमने देखा कि जो जब एक बच्चे को जन्म देती है स्त्री, तो वो क्षमता एक स्त्री के अंदर जो गर्भ धारण करने की क्षमता जो स्त्री में पाई जाती है, वो क्षमता पुरुष में नहीं पाई जाती। जहां हम देखें कि पहले की एक सैन्य बल में जहां एक सैनिक के रूप में जहां एक पुरुष का ही नाम आता था, वहां स्त्री का नाम नहीं आता था। ये कुछ विभेद थे हमारे, जो इन विभेदों के कारण हमारे समाज ने लिंग विभेद करना शुरू किया। और ये जो लैंगिकता का एक आधार में कहते हैं कि लैंगिकता की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया जहां दोनों मिलकर इसको संपन्न करते हैं, तो उसी प्रक्रिया के दौरान जो गर्भ धारण करने की क्षमता होती है, वो क्षमता हमारे स्त्री के अंदर ही होती है। तो हमारे जो लैंगिकता के प्रति जो बर्ताव है या लैंगिकता के प्रति हमारे क्या विचार है, ये चीजें हमारी सोसाइटी में एक अहम हिस्सा रखता है कि समाज में इसके प्रति क्या सोच होती है। इसीलिए ये हमारी पुस्तक का जो ये पार्ट बना है, वो इसी कारण बना है कि जहाँ लिंग और लैंगिकता के अर्थ को समझे, इसके महत्व को समझे कि क्या है इस चीज में, तो ये जो जैविक विभिन्नता हम दर्शाते हैं वो किस तरीके से होता है। हमने देखा है कि जब स्त्री और पुरुष, जब पुरुष स्त्री के गर्भ धारण होता है, तो हम एक संतान की जब उत्पत्ति होती है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे जैविक प्रक्रिया के दौरान जो हमारे गुणसूत्र, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, वो हमारे किस तरीके से इसमें सहायक होते हैं, हम देखते हैं कि जब एक्स और वाई दो गुणसूत्र मिलते हैं, तो हमें पुत्र प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति की मानते हैं। और जहाँ एक्स एक्स का होता है, तो हम क्या मानते हैं इसमें, पुत्री का। और इसी कारण हमने देखा है कि जो लिंग और लैंगिकता के जो असमानता समानता है लिंग विभेद के कारण की, हमारे देश में या हम कहें कि भारत हमारा ऐसा देश है जिसमें पितृसत्तात्मकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये सब चीजें जो हमारे समाज में ये व्याप्त बुराइयां आने लगी, तो ये क्यों होने लगी, ये हमारे इसका एक आधार बनी है। इसीलिए शिक्षा में इस लिंग और लैंगिकता को जोड़ने का यही एकमात्र कारण है कि इससे समझें कि हमारे जहां पितृसत्तात्मकता को ज्यादा महत्व दिया गया, क्यों दिया गया। हम देखते हैं आज महिला सशक्तिकरण क्यों चल रहा है, वो इसीलिए कि प्रत्येक पक्ष से महिला उस चीज को, महिला स्ट्रॉन्ग बने। हमने देखा इस लैंगिकता के, जो हम
कारण है जो आज हमारे यौन उत्पीड़न और ये सब जो हमारे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं वो भी हमारे कहीं ना कहीं इस लैंगिकता और लिंग से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये हमारे पाठ्यक्रम का एक हिस्सा बने कि इसके माध्यम से हम बच्चों को इसके प्रति जागरूक कर सके। कहते ना कि अगर हमें समाज में परिवर्तन लाना है तो उस परिवर्तन का सबसे अहम जो कारण बनता है परिवर्तन का वो हमारी शिक्षा बनती है। तो इस शिक्षा के माध्यम से ही इस लिंग और लैंगिकता के अर्थ को समझाते हुए जोड़ा कि जहाँ इसका जैविक अर्थ हमने माना कि सेक्स है, क्योंकि बुक्स भी हमारी लिखी गई है सेक्स जेंडर एंड सोसाइटी, इसी नाम से हमारी ये बुक प्रकाशित हुई कि जिससे पढ़े हम इसमें इसके प्रति जो पॉइंट है हमारे उन्हें हम ध्यान में रखें, हमारे समाज में इसकी कितनी आवश्यकता है इस चीज को हम समझे और शिक्षा के माध्यम से जो हमारे विचार है हम उसमें परिवर्तन ला सके। तो ये हमारी आज का हमने इसका सिर्फ अर्थ बताया आपको मैंने कि हमारी लैंगिकता का क्या अर्थ है। लैंगिकता का अर्थ हमने बताया था कि ये जैविक प्रक्रिया है, ये जैविक अवधारणा है जो कि स्त्री और पुरुष के जो सहयोग से जो प्रक्रिया होकर गुजरती है वो प्रक्रिया होती है जिसे हम एक तरीके से काम भी कहते हैं। आम हमने देखा है कि यही लैंगिकता के कारण जो हमारे यौन उत्पीड़न जो हो रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे विचार है कि विचार लैंगिकता क्या दर्शाती है। इस तरीके से इस प्रक्रिया के माध्यम से ही इस जो विचार है हमारे उसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से कि हमारे इसके प्रति क्या विचार है। इसके ऊपर अनुभव अग्नेश जी ने पुस्तक भी लिखी सेक्स जेंडर सोसाइटी 1972 में। अब हम देखें कि आखिरकार इन्होंने क्या परिभाषित किया था इस पुस्तक में। तो इन्होंने परिभाषित किया था लैंगिकता या हम कहें सेक्स या स्त्री पुरुष जो जैविक विभाजन प्रक्रिया संपन्न करते हैं जिसे हम एक तरीके से कहते हैं कि संतान उत्पत्ति की जो एक प्रक्रिया होती है वह हमारी लैंगिकता के आधार पर जुड़ी हुई होती है। इसमें एक जैविक प्रक्रिया जैविक अर्थ पर हमने देखा कि किस तरीके से एक हम हार्मोन गुणसूत्र इन सब का जो इस लैंगिकता के माध्यम से जो संयोग होकर जब हम एक संतान की उत्पत्ति किस तरीके से होती है ये हमारा इस लैंगिकता का आधार है। तो इस वीडियो में मैंने आपको लैंगिकता का अर्थ बताया जिससे कि हम लिंग और लैंगिकता के अर्थ में अंतर कर सकते हैं। धन्यवाद।